हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? हाँ यस सर, कैसे आ रही है? ओके ओके, थैंक यू। हर्षित बोल रहे हैं क्या? हर्षित यस सर, यस सर। कहाँ आप कहाँ आजकल बिजी हैं भाई? सर क्लास में तो सर थोड़ा वो नेट का इशू आ रहा है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ सर। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, तो लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इस तरह के भी कोई, मैंने कल बताया था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से हम सॉलिबिलिटी का आइडिया मिलता है, तो इस क्वेश्चन से हमें सॉलिबिलिटी का आइडिया पता चलेगा कि मोर सॉल्युबल कौन है। हाँ युवराज, आज किला आपने ये आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, आपको आना है तो नेक्स्ट क्लास से आएंगे। ओके युवराज कुंद्रा, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे आप यहां डायरेक्ट बता सकते हैं। आप इसका सॉलिबिलिटी कितना आएगा? 10^-4 इसकी सॉलिबिलिटी आएगी, 10^-6 इसकी सॉलिबिलिटी आएगी, 10^-5 इसकी सॉलिबिलिटी आएगी, 10^-8 जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा मोर सॉल्युबल कौन होगा? ए। ए के बाद कौन होगा? सी। सी के बाद कौन होगा? बी। बी के बाद डी। तो ए इज मोर सॉल्युबल।
जिसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा, सॉलिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा, तो ये भी है। तो आप गौर से सुनिए, मैं इस पर दो क्वेश्चंस कराऊंगा। यहाँ पर ए बी एक ही टाइप का सॉल्ट है, तो आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे जिसकी केएसपी की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इसलिए मैंने कंसेप्ट से सॉल्व किया। आप यहां से भी डायरेक्ट, क्योंकि एक ही तरह का सॉल्ट है इसलिए यहां पर आंसर देना ज्यादा आसान था, आप डायरेक्ट भी दे सकते थे। असल कंसेप्ट यह है कि आप सॉलिबिलिटी निकाल लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? लेकिन जब भी ए बी टाइप कोई सॉल्ट दे दे, ए टू बी दे दे, ए टू बी थ्री दे दे और सबका केएसपी दे दे, तो यहाँ आप डायरेक्ट नहीं कहोगे कि किसकी जिसकी केएसपी ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा। क्यों? सॉल्व करके पूरा एस निकालना। क्यों? इसमें 4s³ आएगा, इसमें 107 108 s⁵ आएगा, इसमें s² आएगा, तो नेट s कितना आया वो निकालेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे केएसपी की वैल्यू को देखकर कि केएसपी ज्यादा सॉलिबिलिटी ज्यादा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन इन एवरी केस। तो असल तरीका यही है कि आप केएसपी से एस निकाल लो, फिर उसके बाद चेक कर लो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो यहाँ तो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में गलत हो सकता है। इस तरह के सॉल्ट में अगर दे दे तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, सबका इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो मेन कंसेप्ट यही है कि केएसपी से आप सॉलिबिलिटी निकाल लीजिए, फिर आप देखिए उसमें कहीं पर गलती नहीं होगी। हाँ, एक ही तरह का है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बताइए मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको आप करके दिखाइए। तो इस पर दो क्वेश्चन मैं दूंगा, एक हो चुका है। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सॉल्युबल, ये आपके पास है Bi2S, केएसपी आपको दिया हुआ है 10^-23 आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है MnS 10^-8 आपका केएसपी दिया हुआ है, सी आपके पास है CuS, KSP आपके पास दिया है 10^-18, डी आपके पास है Ag2S 10^-17। तो यहाँ चेक कर लीजिए, समझा? लेकिन यहाँ पर दो सॉल्ट एक ही तरह का है, A और D, B और C में तो आपको रिजल्ट मालूम है किसका ज्यादा होगा। ए और डी में देख लो एस की वैल्यू कितनी आ रही है। अब 4s³ आएगा, अगर इसका क्यूब रूट भी लेंगे, s³ = 1/4 10^23, s³ = 0.25, इसका तो जी हाँ, अगर आएगा भी तो 10^-8 आएगा,
अगर आएगा अभी तो 10^-8, यहाँ पर एस आएगा 10^-4, यहाँ एस आएगा 10^-9, और यहाँ पर भी आएगा तो 17 का रूट कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी एस जो आएगा आपका 4 × 12 = 5, 15, हाँ वही 10^-5 या 6 आएगा, 10^-5 के 6 के ऑलमोस्ट कुछ होगा, समझा कि नहीं। तो आपको सबसे वैल्यू कम ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा यही है, इसलिए सबसे ज्यादा सॉल्युबल बी होगा। अप्रोक्स ले लिया, आपको आइडिया मिल गया, बताइए आया सबको समझ में? यस सर, यस सर। अब आइए, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की मदद से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछे तो आप केसबी की मदद से एस निकाल लीजिए। जब एक ही तरह का सॉल्ट रहे, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का है तो डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, अगर डिफरेंट टाइप का है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, एस निकाल कर चेक कर लेना है, वहां डायरेक्ट आंसर से थोड़ा सा ध्यान देना आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, सब लोगों ने लिख लिया, बताइए समझ में आ रहा है अच्छे से? अनुभव सबको आ रहा है, स्वास्थ्य जानवी सबको आ रहा है? यस सर। अब फिर आइए नया टाइप का, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर, तो सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने वाटर के अंदर निकाला। अब देखिए वाटर के अलावा किसी और जगह अगर आपको सॉल्युबिलिटी दे, जैसे आपको एक क्वेश्चन में आपको कराता हूँ, लिखना शुरू कीजिए, ये पहला मैं खुद करूंगा, द एकेएसपी ऑफ एजीबीआर इज 10^-12, फाइंड द सॉल्युबिलिटी, मैं केस वाइज पढ़ा रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी इन, पहला वाटर के अंदर पूछ रहा है और दूसरा 10^-2m NaBr के अंदर पूछ रहा है, या आपको पूछ रहा है, तो मैं खुद एक करके समझाता हूं, सारे लोग ध्यान दें। युवराज कुंद्रा, ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, अगर आपको आना है इस बैच में तो नेक्स्ट क्लास से आएंगे, युवराज आप जा सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए आप पहले का आंसर है AgBr, चाहे लिखा रहता या ना लिखा रहता वाटर, आपको अब तक जितना क्वेश्चन किया था वो वाटर का क्या था, यहाँ पर जानबूझ के वो लिखा है तो लिख सॉल्युबिलिटी, अब तक जितना हम लोगों ने कल से आज तक क्वेश्चन कर रहे हैं वो वाटर के ही अंदर सॉल्युबिलिटी है, S और S, तो KSP is equal to S2, तो S is equal to √KSP, तो KSP की जो वैल्यू है 10^-12, 10^-6m, कैपिटल M मोलारिटी आ गया। अब आइए कि आपको बी पार्ट ये है, सॉलिबिलिटी NaBr में है, सारे लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, AgBr आपके पास है, आयंस में ब्रेक हुआ, ये वही चीज है जो मैंने आपको उस दिन सिखाया था। अब NaBr, NaBr स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में ब्रेक हुआ, सारे लोग मिलके बताओ क्या इसमें कॉमन आयन लग रहा है या नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ। yes, sir. लग रहा है ना, हाँ, तो देखो वीक में स्ट्रॉन्ग का, अब ये पूरी तरह ब्रेक हो रहा है तो इसका भी 0.1 0.1, मैं आप खुद सोचिए, मैं आपको बता चुका हूं जब भी वीक में, याद कीजिए वो मैंने पीएच जब निकालना शुरू सिखाया था आपको, जब भी वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी और कम, देखिएगा सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी यहाँ पर, इस पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, अभी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, फिर इसी न्यूमेरिकल के जरिए एक रिजल्ट हम लोग याद कर लेंगे समझ कर। यहां देखिए दिस इज द कॉमन आयन, KSP तो वही रहेगा, Ag प्लस Br माइनस, KSP की वैल्यू वही रहेगी, क्यों, याद कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
is independent of the concentration, independent of the pressure. Ksp भी क्या equilibrium constant है. Ksp किसी water में निकालो या NaBr में निकालो, Ksp पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब Ag plus S है और Br minus हो गया S plus 0.01. इसको solve करने के दो तरीके हैं. आप पढ़ रहे हैं solubility of springly soluble salt, मतलब solubility बहुत कम है. जब solubility बहुत कम है तो S is negligible as compared to 0.1. तो आप S into इसको आप neglect कर दें तो 0.1. तो यहां से S आ जाएगा 10 to the power minus 2, देखिए 10 to the power minus 10. तो देखिए due to common ion effect solubility decreases. अकेला था वाटर के अंदर तो देखिए सॉलिबिलिटी ज्यादा थी, कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी घट गई, बहुत घट गई. क्यों? बीआर बीआर की कंसंट्रेशन तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएट करेगा. बताइए आया या नहीं आया ये कंसेप्ट सबको? अरे बोले आया. Yes, sir. हाँ, और सब स्टूडेंट को नहीं आया? अनुभव को आ गया, बाकी किसी को नहीं आया? मानस yes, को भी आ गया? Yes, sir, आ गया. Good. Good. Sir. हाँ, बोलिए. सर ये हमने S plus 0.01 को सीधे सीधे 0.01 कैसे लिख दिया? अरे सॉलिबिलिटी बहुत कम है, इट कैन बी नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू 0.01. ऐसे देखो यहाँ सॉलिबिलिटी 10 टू द माइनस 6 है, माइनस 6 और माइनस 2 में कौन ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा है ना भाई. यस सर. तो फिर इट कैन बी नेग्लिजिबल. ओके, और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो. चलो तुम मत नेग्लेक्ट करो. चलो ऐसे हो गया ना, यही आएगा मल्टीप्लाइड करने पर? बोलो हाँ या ना. यस सर. अब बताओ सॉलिबिलिटी बहुत कम है, उसका होल स्क्वायर और कम हो जाएगा? अरे 0.1 का होल स्क्वायर करोगे तो और कम, तो इट कैन बी नेग्लिजिबल भाई. यार है ना आंसर? यस सर. या थैंक यू. तो याद रखिए इसको मैं लिख दे. अच्छा ये पहला स्लाइड कर लीजिए सारे लोग, ये लिख लिए जल्दी से. हाँ लिख लिया सारे लोग, ये स्लाइड हो गया? यस सर.
आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। निकाले तो देखिए कॉमन आयन क्या है, तो पहला काम Ag2CrO4 है, 2Ag प्लस है, CrO42 माइनस में ब्रेक करेंगे। और आपको वाटर के अंदर नहीं कह रहा है, अगर कहता तो वो तो हम सिखाई चुके हैं आपको। NO2CrO4 दिस इज द आयनिक कंपाउंड, क्योंकि अल्कली मेटल है, 2 सोडियम है प्लस CrO4 2 माइनस। आपको मालूम है यहाँ 2s होगा, यहाँ s होगा, यहाँ 2 × 0.1 होगा, यहाँ 0.1 होगा। तो देखिए कॉमन आयन है, तो देखिएगा सॉलिबिलिटी घटेगी। तो खैर तो आपको Ksp से कंटू हो जाएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर एंड CrO4 2 माइनस। तो Ksp से कंटू 2s का होल स्क्वायर s प्लस 0.1। समझा कि नहीं? तो अगेन यहाँ पर 0.1 को हम s को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 4s स्क्वायर इंटू 0.1, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू Ksp की वैल्यू 32 × 10⁻⁹ 4 × 0.1, 4 × 8 × 10⁻⁸ तो s इज इक्वल टू 2√2 × 10⁻⁴। अब अकेले निकाल लीजिए तो सॉलिबिलिटी और ज्यादा होती, यहाँ कम हो गई। बताइए किसी को इतराज है, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो स्टूडेंट, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आया सर। थैंक यू। देखिए लिख लिया?
कंक्लूजन लिखिए ये दो न्यूमेरिकल से क्या पता चला आपको, कंक्लूजन में नंबर वन पॉइंट। Due to common ion effect, solubility of salt decreases. ठीक, पहला point. Second point, as the concentration of common ion increases, solubility of salt further decreases. बताइए ये दो लाइन सबको समझ में आया या नहीं आया न्यूमेरिकल से, जल्दी बताएं। आया सर। अरे सिर्फ यशवर्धन को समझ में आया, बाकी किसी को नहीं आया? यस सर आ गया सर। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बोला कीजिए थोड़ा। ये मैट्रिक को भी कुछ भी नहीं आ रहा है क्या? मैट्रिक को दो क्लास से कुछ बोलती ही नहीं है ये? यस सर हाँ बोला था सर। अरे क्या बात बोल रहे हैं, कुछ कहाँ बोला था? हाँ सर बोला था सर, मेरे अलग सवाल वो पहुंची नहीं। अच्छा चलिए ठीक, शुक्रिया आपने बोला। चलिए यहाँ तक सब लोगों ने लिख लिया। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। बट द, पहले ये दो लाइन लिख लिया आप लोगों ने तो मैं थर्ड पॉइंट लिखाऊंगा, बताइए सब लोग। यस सर। आप सुने, बट द, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन NH4OH एंड अमोनिया या अमोनिया, ये दो कंपाउंड को एकदम घेरा बना लीजिए आप। मैं रीजन भी दूंगा। सॉलिबिलिटी सॉल्ट की तीन केसेस में आपको याद रखनी, वाटर, कॉमन आयन, तीसरा ये। बट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन NH4OH इंक्रीजेस, किस, क्यों वो हम बताएंगे। इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। सर हाँ बोलिए। वो ना मेरी स्क्रीन हैंग हो गई थी नेटवर्क की वजह से, एक बार फुल साइट दिखा दीजिए। ओके 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 ठीक है, ये वाला बताइए गौरव, ये वाला। ये तो लिखिए अभी आप। हाँ बट द सॉलिबिलिटी ऑफ साल्ट इन NH4OH एंड अमोनिया इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है ये सब बताएंगे आपको, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो मिनट रुक जाएगा थोड़ा सा। एज द, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH या अमोनिया इंक्रीज होगा, देन सॉलिबिलिटी of salt further increases. याद रखिए तीन बातें हमेशा, order of solubility सबसे ज्यादा होती है अमोनिया में, salt की जो हम स्प्रिंग जो हम पढ़ रहे हैं किसी भी salt की, उसके बाद water, उसके बाद common ion, सबसे कम common ion। क्यों, उसका reason खुद दिमाग लगाइए, इधर सुनिए सारे लोग। तीन केस है आपके पास, AgCl है आपको, मैं तीन केस दे रहा हूँ। एक में वाटर है, ठीक है भाई, वाटर में डाला, सॉलिबिलिटी आपने निकाल लिया। AgCl है,
आपने कंटेनर में पहले से मौजूद है 1M KCl, तो यहाँ कॉमन आयन लगा, तो आपने देख लिया। और एक क्या है कि पहले से हम इसमें 0.1M अमोनिया रख रहे हैं और AgCl डाल रहे हैं। गौर से सुनिए, कॉमन सेंस लगाइए आप, डाटा से भी मैं साबित कर सकता हूँ, कॉमन सेंस लगाइए। जैसे ही AgCl को आपने कंटेनर में डाला जिसमें अमोनिया पहले से मौजूद था, तो ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फॉरवर्ड में जाने का मतलब हुआ कि सॉल्ट इज मोर सोलोबल, सॉल्ट इज मोर सोलोबल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहां पर फॉरवर्ड में नहीं जा रहा था कॉमन आयन की वजह से, बैकवर्ड में जा रहा था, तो बैकवर्ड में जाएगा तो सॉलिबिलिटी घटेगी, फॉरवर्ड में जाएगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। याद रखिए, ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं स्प्रिंगली सोलबल सा जो डी ब्लॉक का है, उसको अमोनिया से बहुत मोहब्बत है, आएगा तेजी से इसके साथ कंबाइन करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। सबको समझ आया? तो ये याद रखिए, सॉलिबिलिटी जो हम स्प्रिंगली सोलबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी की बात, इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी बनेगा, आप धड़ाक से आप आंसर दे देंगे। तो इसलिए कंक्लूजन आपको लिखाया गया, तो यहां जो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझा? ये रिएक्शन भी मैं लिख देता हूं, कोई भी नॉट ओनली AgCl, AgBr, जितना भी सॉल्ट आपने पढ़ा, आप अमोनिया डाल दीजिएगा, ये तेजी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा 2NH3+Cl-। धराक से जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। चलिए अब यहां से लिखिए सारे लोग, तो ये कंक्लूजन आपको याद रखना। इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में क्या क्या बातें याद रखनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। बताइए, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। गुड, बहुत अच्छा। आप देखिए, इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया? यस सर, लिख लिया। Has everyone completed this slide? Yes, sir. Thank you.
यशवर्धन गौरव मैट्री मानसविन लिख लिया यस सर अंजु आप सुनिए इसके बेसिस पर मान लीजिए क्वेश्चन आपको देता है तो देखिए बहुत कम टाइम में हो जाएगा लिखना शुरू कीजिए सारे लोग लिखना शुरू कीजिए सपोज सो एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड दिखा देंगे हो गया सर थैंक यू चलिए एक स्टूडेंट का आंसर भी आ गया यशवर्धन का भी आ गया देखिए AgCl की सॉलिबिलिटी आपको कह रहा है NaCl CaCl2 NH4OH AgNO3 water कॉमन आयन यहाँ भी है कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ भी कॉमन आयन इफेक्ट है यहाँ भी कॉमन आयन इफेक्ट है और यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो पहले तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी S3 की
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब कॉमन आयन में मैंने इसलिए देखिए मैंने लाइन लिखा दिया था कॉमन आयन कैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और ये दूसरा लाइन इस वजह से लिखाया था जितनी कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी फर्दर घटेगी। तो यहां पर आपके पास है 0.01 आपके पास है MCl माइनस, यहां पर आपके पास है 2 × 0.01 तो ये 0.02 हो गया, यहां पर आपके पास है 0.05। तो सबसे ज्यादा तो सॉलिबिलिटी S3 की है, S3 के बाद वाटर की होगी S5। अब तीनों में कॉमन है जिसकी कन तो कंसंट्रेशन सबसे कम किसकी है ये, उसके बाद S1, उसके बाद S2, उसके बाद S4। दिस ऑप्शन इज प्रेजेंट, ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप एक मिनट में आंसर देते। बताइए सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। यशवर्धन वो हाँ ई नहीं था सी था, चलिए कोई बात नहीं है, कंसेप्ट सही है आपका। तो ये इस तरह करेंगे, तो ये जो कंक्लूजन लिखाया गया है इसको आप 10 दफा पढ़िए समझकर, तीन लाइन पढ़िए, देखिए आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जो लोग इसमें आप बहुत सारे लोग इसमें पूरा एस निकालने लगेंगे, नहीं एस निकालना ही नहीं है, पूरा ट्रिक्स के बेसिस पर आपको निकालना है। चलिए सबको समझ में आ गया अच्छे से, कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा भाई जिन्होंने नहीं लिखा है। सारे लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब आइए फिर नए प्रॉप इस वाले पार्ट में सॉलिबिलिटी पर एक नया कंसेप्ट फिर पढ़िए। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, इसलिए मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था तीन तरह का सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये मैंने आपको बताया था। इसकी मिसाल इसी तरह से लीजिए, गौर से सुनिए अच्छे से। केमिकल इक्विलिब्रियम में याद है मैंने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक पढ़ाया था रिएक्शन कोशिएंट, याद आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम हाँ, रिएक्शन कोशिएंट में लिखवाया था ना आपको कि ये किसी भी रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर डायरेक्शन मालूम करना हो तो ये बताता है। ये तो सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है, वही हाल आयनिक में है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम पर सैचुरेटेड, और एक पढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट इसके भी निकालने का तरीका वही है जो केएसपी का है, आयंस का प्रोडक्ट, लेकिन ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए वैलिड है KIP। जिस तरह QC भी लिखने का तरीका वही था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, KC भी लिखने का तरीका वही था, दोनों में फर्क क्या था? इक्विलिब्रियम में QC इज वैलिड फॉर एनी स्टेज ऑफ द एनी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रहे ना रहे किसी भी टाइम पर आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना हो QC की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली इसलिए आपको डिफिनेशन में कल लिखवाया था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेस टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर भी एकदम सिंपल है, ये पहला कंडीशन, अगर KSP की वैल्यू बराबर होगी KIP से,
के आई पी का मतलब आयनिक प्रोडक्ट, बस सिंपल आयन्स का प्रोडक्ट। तो नो प्रिसिपिटेशन बराबर इक्विलिब्रियम है। के एस पी की वैल्यू ज्यादा, तो खुश दिमाग लगाओ, सॉलिबिलिटी ज्यादा है आयन से तो नो प्रिसिपिटेशन, और इसी को क्या, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम। नो पीपीटी भी कहेंगे इसको, कहेंगे क्योंकि देखो सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा, सॉलिबिलिटी की वैल्यू बहुत कम है आयनिक प्रोडक्ट आयन से तो पीपीटी टेक्स प्लेस, जो अनुभव जोशी ने दो दफा पूछा था इसका अनुभव याद है ना बाबू, पीपीटी सुपर सैचुरेटेड। तो पीपीटी के लिए जरूरी है कि केएसपी आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, के आई पी निकालेंगे और कंपेयर कर लेंगे, जिस तरह वहां केसी दिया रहता था क्यूसी निकालते थे और अब फिर आप बताते थे कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है कि इक्विलिब्रियम है, वही चीज यहां पर है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, समझ में आया? Yes, sir. क्या कोई भी पूछे प्रिसिपिटेशन कब टेक्स प्लेस करेगा तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, जहां केसी लेस देन क्यूसी तो बैकवर्ड था। हाँ, एनी प्रॉब्लम? ये लिख लिया है सर, के आई पी के एक बार फुल फॉर्म फिर से। ये फुल फॉर्म है ना आयनिक प्रोडक्ट, सुने, के आई पी का फुल फॉर्म है आयोनिक प्रोडक्ट, जिसको आप वहां केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यू क्यू या कहीं कहीं पर इसको ये भी लिखते हैं, लिखे क्यू एस पी, के आई पी या क्यू एस पी, जैसे भी लिखना चाहें। फर्क क्या है इसमें, तो याद रखो मैं लिख भी देता हूं, आपने पूछा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एट एनी टाइम, एनी जैसे वहां लिखते थे एट एनी स्टेज, के एस पी जो हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, कोई थ्योरी में भी पूछे तो ऐसे बता दीजिए, ओनली एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप समझ में आए गौरव जी? एट एनी टाइम, यस, लिख लें, ये स्लाइड लिखें, अब हम लोग के क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए, लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया? Yes, sir. ये भी लिख लीजिए, इसको लिखकर आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। चलिए इस पर दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। डन, थैंक यू एवरीवन, डन। अनुभव, मैट्री, गौरव जी, यस सर, सब लोग लिख लिए। डन सर। हाँ, क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए सारे लोग,
इफ 100 ml ऑफ मैं खुद करूंगा 10 टू द पावर 4 m AgNO3 is mixed with देखिए लिख लिया एवरीवन कंप्लीटेड यस सर यस सर गुड थैंक यू। देखिए केमिस्ट्री में याद रखिए आपको खुद कह रहा है कि AgCl है तो हम AgCl में Ag प्लस Cl माइनस आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे जैसे वहां केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्वेश्चन निकालते थे केएसपी दिया हुआ हम क्यूआईपी या केआईपी निकाल लेंगे तो एजी प्लस AgNO3 से आएगा और आयनिक इक्विलिब्रियम ये ट्रिक्स याद रखिए जब दो वॉल्यूम दिया हुआ हो जब दो वॉल्यूम दिया हुआ हो आप हमेशा तो हमेशा न्यू कंसंट्रेशन निकालें। सुना सारे लोग जब दो वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम क्या निकालेंगे न्यू कंसंट्रेशन न्यू कंसंट्रेशन। हाँ अब जैसे एजी प्लस है तो न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे 100 into 10 to ये number of moles हो गया molarity into volume divided by 200 new concentration आपको निकालना पड़ेगा चाहे इस chapter का ये भी key point है याद रखें 200 ml cancel हो जाएगा cancel 0.5 10 to the power minus 4 5 into 10 to the power minus 5 Cl minus किससे आएगा देख लो यहां NaCl से आएगा NaCl से इसका भी यही होगा न्यू कंसंट्रेशन। हाँ अगर मान लो यहां पर 100 ml ये यहां पर 100 ml ना देता तो आप डायरेक्ट 10 टू द पावर माइनस 4 ही ले लेते जब भी दो वॉल्यूम दिया हुआ हो आयनिक इक्विलिब्रियम में तो आप न्यू कंसंट्रेशन निकालें ये ट्रिक्स याद रखें आप 200 जीरो से कैंसिल इसका भी 5 into 10 टू द पावर माइनस 5 अब आइए QIP ऑफ AgCl क्या होगा Ag प्लस Cl माइनस जैसे आप निकालते हैं तो आपके पास आया 5 into 10 टू द पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 10 टू द माइनस 10 तो QIP ग्रेटर देन KSP देयरफॉर PPT विल टेक प्लेस डिड यू अंडरस्टैंड सर वो माइनस 25 नहीं होगा माइनस 25 होगा नहीं सर उसको स्क्वायर करने के बाद अरे 5 का होल स्क्वायर 25 10 टू माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 आप क्या बोल रहे हैं भाई चना खाइए माइनस 25 क्या बोल रहे हैं आप अरे 5 का 25 यस सर वो स्क्रीन थोड़ा ब्लर बलर क्या आ रहा है भाई यहाँ देखिए ना आया समझ में साइंटिस्ट
चलिए हो जाता है बड़े-बड़े शहर में 25 जो पहले सर लिखा हुआ है मुझे लगा उसके सामने नेगेटिव अच्छा 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 नहीं 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 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया 10 टू द माइनस 5 का ये हो गया बताइए तो आप बताइए क्यू आई पी के एस पी से ज्यादा है देख लो अरे बोलो ना हाँ या ना जल्दी बोलो यस सर तो देखिए कितना आसान है चलिए लिखिए यहाँ से जल्दी लिखना शुरू कीजिए बहुत अच्छे आदमी आप लोग जल्दी लिखिए सर इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया ना या 100 प्लस 200 या न्यू कंसंट्रेशन का मतलब ही यही हुआ ओके साइंटिस्ट यस मिक्स कर रहे हैं ना मिक्स कर रहे हैं आप हाँ दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएगा तो गौरव साहब आपके स्कूल में पहला बुक खत्म हो गया हाँ सर हमारे स्कूल में कुछ अजीब सा चल रहा है क्या चल रहा है अजीब सा मतलब सर पता नहीं वो कुछ हुआ आज कोई रिवीजन वगैरह सा हुआ उसमें वो दे रखा था एक तो न्यूक्लियोफाइट्स फिर ऑर्गेनिक 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 स्टार्ट है अच्छा कुछ अजीब सा दिया हुआ अच्छा अच्छा सर वो स्कूल की क्लासेस इतनी अटेंड नहीं होती तो क्या कहते हैं वो अलग ही चल रहे हैं वो अलग ही उस पे चल रहा है हां नहीं सर ठीक है यहाँ सब कुछ क्लियर हो रहा है ना आपका पहली बुक क्लियर हो गया ना हाँ जी सर हाँ ठीक है हफ्ते में एक दिन मैं पहला चैप्टर का रिवीजन शुरू कर रहा हूँ रिवीजन मींस सिर्फ क्वेश्चन आपको निष्कर्षण टाइम टेबल बता देंगे जिसको आना होगा आइएगा पहला चैप्टर का होगा अगले नेक्स्ट वीक से जिसको उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर का इस तरह उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा जहाँ पर कोई डाउट वाउट होगा तो बता दीजिए तो जिसको अपना करना है रिवीजन तो आप आ सकते हैं निष्कर्ष सर आपको बता देंगे आपके ग्रुप पे डाल देंगे क्योंकि 11th में यही है कि रिवीजन बच्चे नहीं कर पाते हैं तो फिर फाइनल एग्जाम में उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाता है मेन है रिवीजन पूरी चीज एक टाइम टू टाइम याद रहे कि एग्जाम में आप जल्दी से रिवाइज कर पाए वो जल्दी जल्दी होगा सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज चलेगी उसमें क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग बताइए ये वाला पार्ट yes, sir. गौरव मैट्री यशवर्धन सब लोगों ने लिख लिया यस 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 सर ये हाँ ये लिख लीजिए चलिए इसके बाद मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पर देता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाँ लिख लिया होगा अब आगे बढ़ें
देखिए आप एक दफा क्वेश्चन खोल के एक दफा पढ़िए। पहले बताइए लिख लिया? यस सर। देखिए सोडियम आयोडाइड थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लग रहा होगा NaIO3 सोडियम आयोडाइड, ऑब्वियसली इसमें Na प्लस होता है IO3 माइनस होता है, ठीक है भाई ये आपके पास है। हमें किसका चेक करना है? क्यूप्रिक आयोडाइड यानी कॉपर आयोडाइड, या आप इसको ये भी लिख सकते हो क्यूप्रिक आयोडाइड। तो आयोडाइड की कंसंट्रेशन यहां से मिल जाएगी, तो IO3 माइनस कहां से होगा? तो देखिए 0.002 इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2V इक्वल वॉल्यूम। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैं बता रहा हूं 0.01 m, ये आपका आयोडेट आयन यहां से आ गया। अब आइए क्यूप्रिक क्लोरेट, क्यूप्रिक क्लोरेट का मतलब ये हुआ ClO32। जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो Cu+2 2ClO3-। तो हमें कॉपर आयोडाइड है तो यहां से कॉपर की कंसंट्रेशन आएगी, समझा कि नहीं? कॉपर की कंसंट्रेशन आएगी तो Cu+2 की कंसंट्रेशन भी वही होगी 0.02 इंटू वी बाई 2V 0.001 m। पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे बोले, अरे चुप क्यों हो, बोलो ना। यस सर। सारे बच्चे चुप क्यों हो जाते हैं भाई, घर से बाहर चले जाते हैं क्या? ये स्वास्थ्य, ये मानस, ये मानसविन, ये आमना, ये दिव्यांशी तो ऐसे भी नहीं बोलती हैं वो। अरे आवाज आ रही है सबको, समझ में आया यहाँ तक? हाँ ओके थैंक यू। अब देखिए, अरे स्वास्थ्य भंडारी आवाज नहीं आ रही मेरी। अब आपको कॉपर आयोडाइड आयोडेट है तो बस क्यूप्रिक आयोडाइड आयोडेट का मतलब ये हुआ IO3 2, तो बस Cu+2 IO3-। अब आप इसका QSP या QIP निकाल लीजिए। तो Cu+2 IO3- का होल स्क्वायर 10^-3 10^-3 का होल स्क्वायर 10^-9। अब देखिए यहां पर 10^-8 है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। और से सुनिए, KSP ग्रेटर देन QSP तो PPT विल नॉट टेक्स प्लेस बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ चलिए ये स्लाइड लिखिए। अरे मैट्री आपको नहीं आ रहा है? अरे सर लिखिए। हाँ बताइए, ये स्लाइड हो गया? यस।
लिख लिया। देखिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए, न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ज्यादा है, बहुत वेरिएशंस हैं न्यूमेरिकल में, आप एक एक तरह से पढ़िए और पार्ट वाइज पढ़िए, पीएच का पूरा केस पढ़िए, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का पूरा केस पढ़िए, क्या क्या क्वेश्चन है, लिख लिया सारे लोग? यस सर। हाँ चलिए आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर, ये पूरी बातें हो गई। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रिड्यूस सिलेबस में है, तो वो सब जब मौका मिलेगा, तो अभी तो सिलेबस की खत्म की करना है आपको, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विमोलर कुमोलर का मतलब वही हो मोलारिटी, कुमोलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड सो दैट व्हेन मिक्स्ड when mixed in equal volume ये भी इसी पर है, कि क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि प्रेसिपिटेशन ना हो, तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चंस का मतलब। बताइए, लिख लिया तो बताइए आप। Yes, sir. ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, फिर से सुनिए। इक्विमोलर लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम, आप मान लीजिए कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है उसका एक्स मोल पर लीटर है, तो यहाँ पर इक्विमोलर तो दिया हुआ है, तो भाई कुछ भी मान लीजिए आप, समझा, इक्वल वॉल्यूम है, फिर वही बात, दो वॉल्यूम है, न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे। पहले हम मान लेंगे कि लेट मैक्सिमम कंसंट्रेशन, क्वेश्चन लिख लिया था आप लोगों ने, सब लोगों ने, फिर से एक दफा बता दीजिए। यस सर। ऑफ ईच सॉल्यूशन जो है वो एक्स मोल पर लीटर है। चलिए उसकी मिसाल भाई लीजिए कि जैसे 2m 3m दिया हुआ है, जैसे अभी सारे न्यूमेरिकल में दिया रहता था, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दिया, वो बस लिख दिया इक्विमोलर। तो लैंग्वेज में स्टूडेंट को लगता है बहुत टफ क्वेश्चन है, आप उसको मान के चलिए कि कोई वैल्यू दी हुई है, हमने मान लिया एक्स मोल पर। अब हमें इक्वल, अब फेरस सल्फेट Fe SO4 है, तो हमें इससे Fe+2 आएगा, SO4 मान, बस उसी तरह समझ लिया। Fe+2 की कंसंट्रेशन, फिर वही बात, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम बाय 2V, क्यों इक्वल वॉल्यूम, देखिए लिखा हुआ है इसमें इक्वल वॉल्यूम, कहाँ गया इक्वल वॉल्यूम, मैं इसीलिए इसको बता रहा हूँ आपको, x बाय 2m आ गया। अब आइए एकदम तोड़ तोड़ के पढ़िए, फिर सुनिए आपके पास क्या दिया हुआ है, फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड NO2S होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2Na+ और S2- आएगा, तो हमें सोडियम से मतलब तो है नहीं, S2- की कंसंट्रेशन वही, सबका हमने X माना है,
x into v by 2v, बताइए सच सच बताइए उसी पर था या नहीं, बताइए बताइए, अरे बोलिए ना, बोलो ना भाई, कोई बोल ही नहीं रहा भाई, आवाज नहीं आ रही, सब अनम्यूट म्यूट हैं क्या सब लोग? सिमिलरली वही क्वेश्चन था, वो लैंग्वेज ऐसे दिया है, कुमोलर फलाना चिलाना इस तरह ऐसा दे दिया कि आपको लगेगा अरे बड़ा टफ क्वेश्चन है, मैंने इसलिए दोनों क्वेश्चन को सीक्वेंस में कराया है, इससे जस्ट पहले वाला इसी है। आप खुद सोचिए प्रिसिपिटेशन ना हो तो या तो उसकी वैल्यू बराबर हो या उसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो बस अब केस पी से कंटू हो जाएगा। खुद सोचिए कि आपको फेरस सल्फाइड कह रहा है, तो फेरस सल्फाइड जो कह रहा है आपको फेरस सल्फाइड, तो FeSe होगा, बस Fe प्लस टू दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए S2 माइनस, तो बस आपके पास जो है कि कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं ना KSP is equal to KSP, no precipitation, या तो KSP आपको मान के चलना, वो खुद कह रहा है no precipitation, तो बस KSP की वैल्यू डाल दीजिए Fe प्लस टू एंड S2 माइनस, आपके पास है 6.3 10 टू द पावर माइनस 18, यहाँ हो जाएगा x by 2 into x by, भाई x निकालना है maximum concentration, s square is equal to लगभग 24.3, आप लोग बताइए तो 24.3 का कितना रूट आता है, रूट निकालिए तो, अरे रूट निकालिए तो 10 टू द पावर माइनस 9 आया, रूट निकालिए 24.3 का, 5 point something, गौरव तुम्हारी मैथ मजबूत है बताओ कितना आ रहा है, इससे पहले पूछता था कि प्रिसिपिटेशन होगा या नहीं होगा ये पूछता था, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जब प्रिसिपिटेशन नहीं है तो कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, नहीं आप लोग टीचर की बातें नहीं मानते हैं तो हटाइए। तो 5 मान लेते हैं ना, चलिए हटाइए 5 मान लेते हैं, अरे बोलिए yes, 4.9 यही पूछा बस, तो इस या तो ये कंसंट्रेशन हो, समझा मैक्सिमम का मतलब यही हुआ, या तो ये कंसंट्रेशन हो या इससे लेस देन हो तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा, समझ में बात आई, अरे बोलिए यही आपका आंसर हुआ। अब तक क्या था बताओ, प्रिसिपिटेशन हो रहा है या नहीं, ये बोल रहा नहीं, वो कह रहा क्वेश्चन की प्रिसिपिटेशन नहीं है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालो, तो यही मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, या तो ये आना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, चलिए बताइए आया सबको समझ में? यस सर। चलिए दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ये पहली बुक खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, पहली बुक खत्म हो गई आपकी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बाय सर।